तो मित्रों, आज की यात्रा में आपको लेकर चलते हैं ब्रजमंडल के प्रसिद्ध द्वादश वनों में से एक काम्य वन में। और इस काम्य वन में है एक विमल कुंड, और इस कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है। ये काम्य वन के दक्षिण पश्चिम कोण में स्थित है और ब्रजमंडल के अंदर ही आता है, हालांकि भरतपुर के आसपास है ये। और विमल कुंड के चारों ओर आपको दिखाएंगे लगभग 10 मंदिर हैं यहाँ पर। पहला है दाऊ जी का, दूसरा है सूर्य देव का, और ये देख रहे हैं आप शनिदेव का मंदिर है। तो सबसे पहले जब आप विमल कुंड की परिक्रमा को जाते हैं तो सबसे पहले शनिदेव के यहाँ पर दर्शन करते हैं, और उसके बाद आगे यात्रा पर चलते हैं तो नीलकंठेश्वर महादेव, श्री गोवर्धनाथ और श्री मदन मोहन काम्य वन बिहारी, श्री विमल बिहारी और विमला देवी और मुरली मनोहर, भगवती गंगा और श्री गोपाल जी, ये सारे मंदिर आपको विमल कुंड के ही जानकारी भी दिलाएंगे। जो कन्याएं भगवान को वर पा करके खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है, इनके प्रेम के आंसुए निकले, खुशी के आंसू, उन प्रेम के आंसुओं से इसको भरा विमला कुंड। सिंधु देश का राजा विमल था, उसके नाम से विमला कुंड। सबसे बड़ी कन्या थी विमला, ये मेन मंदिर विमला देवी, विमला देवी का जो ये मंदिर है सामने, ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया, कोड़ चुचाते हुए भी इसके स्नान करने से, कथा सुनने से, ब्रजरज लगाने से, संकल्प करने से, परिक्रमा करने से इनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। आपको मिलवाया विमल कुंड के एक पुजारी जी से, उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दिलाई। विमल नाम के एक प्रतापी राजा थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि से उनकी मुलाकात हुई और उनके बताए हुए उपाय से उनके यहाँ सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। और बताया जाता है महर्षि याज्ञवल्क्य की सम्मति से राजा ने अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने दूत को मथुरापुरी में भेजा, और सौभाग्य से मार्ग में उस दूत की भेंट हुई भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने उस दूत को श्री कृष्ण के दर्शन को वृंदावन भेजा, और श्री कृष्ण उस समय वृंदावन में विराजमान थे, और राजदूत ने राजा का सारा वचन श्री कृष्ण को बताया और राजा विमल का निमंत्रण पत्र दिया। और बाद में बताया जाता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण ने राजा विमल की पुत्री से विवाह किया। और इसी कथा में बताया गया है कि वहाँ पर तभी इस अलौकिक विमल कुंड का प्राकट्य हुआ, और इस विमल कुंड में स्नान करने से लौकिक यानी कि इस लोक की जो मनोकामनाएं हैं, अलौकिक यानी कि मोक्ष की अभिलाषा और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, हृदय निर्मल होता है और भगवान की भक्ति का संचार भी होता है। तो दोस्तों, ये है विमल कुंड के बारे में जो इतिहास है आपके साथ शेयर किया। आप देखिए संपूर्ण यात्रा विमल कुंड की और इसके आसपास के सभी मंदिरों की यात्रा आपको करा रहे हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे, और साथ ही शेयर भी कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, और पुण्य लाभ लीजिए अपने घर बैठे बैठे। हमारी ब्रज यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही शेयर करके भी पुण्य के भागी बने, ताकि सभी लोग भगवान के दर्शन कर पाएं अपने घर बैठे बैठे ही। तो आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं, देखिए और लिखिए कि आपको यात्रा कितनी खूबसूरत लगी।